मेरा नाम है साद लतीफ और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ द पाए शो की सेकंड एपिसोड में। जो हमारी पहली एपिसोड थी वो भी कैलकुलस से रिलेटेड थी और ये वाली एपिसोड जो है ये भी कैलकुलस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें चार टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। पहला टॉपिक है फंक्शंस का, जो कि कैलकुलस में नहीं आता लेकिन उसको भी हम शामिल कर देंगे। फिर लिमिट्स है, डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है। तो ये चार टॉपिक है जिसपे हमने डिस्कशन करनी है। अच्छा, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ना, मैं पहले क्लियर कर दूं, वो क्वेश्चंस हमारे रट्टे वाले नहीं होंगे या लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं होंगे या बहुत मुश्किल फॉर्मूले नहीं होंगे। बेसिक फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, ज्यादातर फोकस हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। इस तरीके से हमारा शो चलेगा। हमारे शो के अंदर तकरीबन 6 राउंड होंगे स्टूडेंट, सुन लो आप लोग गौर से। पहला राउंड जो है एलिमिनेशन का है, आई डोंट थिंक सो कि एलिमिनेशन होगी क्योंकि बहुत बेसिक से सवाल होंगे उसके अंदर। लेकिन उन सवालों के अगर आपने जवाब नहीं दिए, इसका मतलब फिर आपका कोई मतलब वजह नहीं है रहने की, बहुत बेसिक से सवाल होंगे। सेकंड राउंड जो होगा हमारा बच्चों, उसका नाम है पिक योर कैटेगरी। आप लोग अपने हिसाब से टॉपिक पिक करोगे और उसका जवाब दोगे। तीसरा टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसका नाम है डेयर डेविल। वो हम देखेंगे क्या होगा उसके अंदर। जो चौथा टॉपिक है वो होगा डिटेल, उसमें मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दूंगा, जो पहले उसके जवाब दे देगा वो डिटेल क्वेश्चंस है। लाइक आपको उसके लिए पेपर पेंसिल कुछ चाहिए होगा, आप उसमें सॉल्व करोगे उसको। राउंड 5 जो होगा हमारा वो विजुअल राउंड होगा, उसमें आप लोगों को कुछ ग्राफ दिखाई जाएंगे, उन ग्राफ को देख के आपने बताना है किस फंक्शन का ग्राफ है। और जो आखिरी हमारा राउंड होगा वो हेल राउंड है। हेल राउंड में डिसाइड होगा, 3 बच्चे होंगे जिनको हम सिलेक्ट करेंगे और वो फिर इसमें खेल रहे होंगे। बाकी रूल जो है वो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो मैं हर राउंड के स्टार्ट में आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प डाले हैं। टाइम स्टैम्प का मतलब ये कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो एक पर्टिकुलर राउंड खुल जाएगा। तो जो आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं वो एक खास राउंड पे क्लिक करेंगे तो उस राउंड वो पूरा ओपन हो जाएगा। अगर आप किसी राउंड को स्किप करना चाह रहे हो तो इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हमारा राउंड है वो है एलिमिनेशन राउंड। बहुत बेसिक से सवाल होने, लेकिन वो सवाल डिसाइड करेंगे कि आप लोगों का वाकई बनता है इधर रहना या नहीं रहना। यार एक फंक्शन होता है इवन, सुना है नाम? यस सर। क्या इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, कैसे चेक करते हैं? हम f of x में माइनस x पुट करते हैं, और अगर फंक्शन इक्वल है f of माइनस x के तो वो इवन फंक्शन होता है। मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हो? श्योर, ओके। फॉर एग्जांपल cos x में अगर हम माइनस x पुट करें तो भी आंसर सेम ही आएगा फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज। सही है। अच्छा, ऑन करो कासिम अपना काइम नाम है शायद, माइक्रोफोन ऑन करो यार। अच्छा यार, लिमिट के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक फंक्शन है 1/x, 1/x फंक्शन का पता है ना? यस। 1/x फंक्शन है, लिमिट का सवाल है और बोला हुआ है कि लिमिट जो है वो इंफिनिटी के पास अप्रोच कर रही है, ये सवाल है। क्या लगता है क्या आंसर होगा? जीरो। एक्सीलेंट भाई, जीरो। तो तुम तो पक्का नेक्स्ट राउंड में जाओगे, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा जायद, अपना माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। यार सवाल ये है कि एक फंक्शन है एक, ठीक है, फंक्शन है एक, और वो है क्या? वो है 1/(x-1)। ये फंक्शन है, नीचे लिखा 1/(x-1), बहुत बच्चों वाला फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या नहीं पुट कर सकते आप? क्यों 1 क्यों नहीं पुट कर सकते इस फंक्शन में? सर 1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि सर अगर 1 पुट करेंगे तो 1-1 जीरो हो जाएगा, जिस कंसेंट नहीं किया था। तो एक्सीलेंट, इंफिनिटी नहीं आता वैसे यार, लेकिन चलो बिल्कुल सही बताया तुमने, मान लेते हैं तुम भी सेफ हो। अच्छा अनवर, अब तुम माइक्रोफोन ऑन करो अपना। यस सर। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर जी, आप सुन? अल्लाह का शुक्र। यार ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों यूज होता है, कोई आइडिया? सर जो वर्टिकल लाइन फंक्शन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। किसको चेक करने के लिए? फंक्शन को चेक करने के लिए, वर्टिकल लाइन। बिल्कुल सही जवाब दिया, तुम भी सेफ हो। अच्छा अब्दुल राफी, माइक्रोफोन ऑन करो। जी सर। यार एक मुश्किल आ गई है, मुश्किल ये है, मैं बताता हूँ, एक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तुम शायद हेल्प कर दो उसके अंदर। भाई e की पावर 10x, इसका डेरिवेटिव लेना है। जी, इसका डेरिवेटिव होगा 10 e की पावर x। 10 e की पावर 10x। एक्सीलेंट भाई, सही बताया, तुम भी सेफ हो पूरा। अब हमारी बारी है ख्वातीन की। अच्छा जी, कौन सी ख्वातीन है? हाँ सबिया, माइक्रोफोन ऑन करो आप अपना। यस सर। आप तो बता दोगी आराम से, बच्चों वाला सवाल है। अच्छा जी, क्या सवाल है भाई? यार ये एक फंक्शन है,
ये भी मुझे तंग कर रहा है, आप जरा देखो कुछ हल निकल सकता है ना, ये है x की पावर e, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या लगता है? e की पावर x e की पावर e x की पावर e माइनस वन, सॉरी। एक्सीलेंट भाई, बिल्कुल सही जवाब है, बेसिक ग्राउंड में आप ही बच गए। मामा माइक्रोफोन ऑन करो आप अपना। यस सर। बहुत इजी सवाल है, आप कर लोगे आसानी से। ये साइन फंक्शन के बारे में पता है ना आपको? जी। क्या होता है साइन फंक्शन? नहीं, सवाल ये नहीं है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो तो क्या आएगा? क्योंकि वो कांस्टेंट होता है तो जीरो आएगा। वाह भाई। अच्छा कौन बचा है? रोहा। रोहा माइक्रोफोन ऑन करो अपना। जी सर। ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, आप हेल्प करोगे इसमें? जी सर, बोले। ये लिमिट का सवाल है, वो बच्चों वाला है, क्या लगता है क्या आंसर होगा? सर 5 ही आंसर होगा। क्यों? सर x की वैल्यू ही नहीं है, लिमिट अप्लाई कर ही नहीं सकते। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5, ये 4 राउंड बनेंगे। इन चारों राउंड में आपको मार्किंग दी जाएगी, ठीक है? एट द एंड जब चारों राउंड हो जाएंगे, जो टॉप 3 बच्चे हैं वो हमारा आखिरी राउंड खेलेंगे जिसका नाम है हेल राउंड। तो आप सोच सकते हो कि हेल बन जाएगा आपके लिए पूरा। तो होना यह है कि अब राउंड 2 से लेकर राउंड 5 तक आपका सारा स्कोर ऐड किया जाएगा और एंड पे जो भी टॉप 3 बच्चे होंगे उनके साथ वो आखिरी राउंड खेला जाएगा और फिर हमारा विनर डिसाइड होगा। अभी कायम से पूछते हैं सवाल, ठीक है? एक सेकेंड, कायम का नाम है, आगे हम लिखते हैं राउंड नंबर 2। बेटा राउंड नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है 10-10 नंबर के, ठीक है? राउंड का नाम है पिक योर कैटेगरी, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा आप क्या कैटेगरी चूज करना चाह रहे हो, ठीक है? फिलहाल मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, फंक्शन और लिमिट, इसमें से क्या चूज करना चाह रहे हो? डेरिवेटिव नहीं, वो बात दूसरे क्वेश्चन में आएगा, पहले क्वेश्चन में 2 फंक्शन। तैयार हो फंक्शन के लिए क्या? चलो यार, एक मसला है कि क्या मसला है, एक फंक्शन होता है जिसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, सुना ना इसका नाम? उससे रिलेटेड तुमने मुझे 3 चीजें बतानी है। एक तो तुमने सबसे पहले सुन लेना तीनों चीजें क्या बतानी है तुमने। एक तुमने मुझे बताना है कि मॉडुलस फंक्शन का क्वाड्रेंट क्या है, किस किस क्वाड्रेंट में ग्राफ होता है उसका। दूसरी चीज तुमने बतानी है मुझे कि उसकी डोमेन क्या है, और तीसरी चीज तुमने बतानी है रेंज क्या है। ये तुम्हारा पहला सवाल है। डोमेन में हम ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं इसकी डोमेन में, और रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव के साथ डील नहीं करता। तो 0 आ सकते हैं? 0 0 को पता नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव। चलो तुम एक और जो आखिरी चीज मैंने पूछी थी कि किस क्वाड्रेंट में होता है ये बता दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना? मतलब तुमने रेंज वाला सवाल भी मुझे जवाब सही नहीं दिया, 0 बिल्कुल आता है उसके अंदर, जब आप मॉडुलस फंक्शन में 0 पुट करते हो तो 0 आता है, तो वो वाला जवाब तुम्हारा गलत हुआ है। क्वाड्रेंट और उसका फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट सेकंड दोनों में बुलाया करता है। तो वैसे मैंने तुमसे 3 सवाल पूछे, डोमेन तुमने बिल्कुल सही बताया, रेंज में थोड़ा मिस्टेक किया, तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें 5 नंबर दे रहा हूँ 10 में से। तो पहले सवाल में तो तुम्हारे 5 नंबर है, ठीक है? अब मैं दूसरा सवाल तुमसे बाद में पूछूंगा, ठीक है? वरना तुम फिर अभी थोड़ा ट्रॉमा से निकले हो ना, तो टाइम लगेगा उसमें। अच्छा तो ये तो सवाल खत्म हो गया, अब ऑन करो भाई राफे, बड़ी तुम्हें हंसी आ रही है। जी सर। तो मुझे बताओ कि यार मुझे कोई एक मेथड बता दो, एक पूछ रहा हूँ, ज्यादा मैं पूछूंगा ही नहीं, मेरी तबीयत ही नहीं है ज्यादा पूछने की। एक मेथड बता दो कि 1-to-1 फंक्शन को कैसे चेक करें कि यार कोई फंक्शन 1-to-1 है या नहीं। 1-to-1 को सर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है इससे पता चल जाएगा कि वो एक मतलब लाइन पे टच हो रही है, फंक्शन पता चलेगा उससे, और दूसरा वर्टिकल टाइम। भाई देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में टेस्ट होता है ना, टेस्ट में रिजल्ट आते हैं, कैसे पता चलेगा कि यार वो पास हो रहा है नहीं हो रहा? अगर एक पॉइंट पे अगर क्रॉस करिए ना पूरी लाइन, तो उसका मतलब है कि वो फंक्शन है, जो ग्राफ बनेगा उसको। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बताया तुमने यार, किधर है? हाँ अच्छा एक चीज मैं बता दूं, मैंने अपनी तरफ से सवाल कोशिश किया सेम लेवल के रखे हैं, लेकिन आपको क्या है ना कि यार हमारा सवाल का लेवल थोड़ा था, तो मैं उसको फेवरेटिज्म दे दूंगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तब मैं आप लोगों को बोल दूंगा। राफे है तुम्हारा फिलहाल स्कोर अभी 10 ही है। अच्छा जी, अब आ गया भाई उमामा, उमामा माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर।
अच्छा जी, ये मुझे एक बात बता दो आप कि यार अगर हमारे पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, मैं बेसिक सवाल सा पूछ रहा, स्क्वायर रूट फंक्शन है जो कि डिनोमिनेटर के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन स्क्वायर रूट फंक्शन या 3 अपॉन स्क्वायर रूट फंक्शन, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन है, और आपसे बोलूं कि यार इसकी मुझे डोमेन निकाल के दिखाओ, तो डोमेन कैसे निकालेंगे हम? सर मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं एक सिचुएशन बना के देता हूँ आपको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है 2 अपॉन स्क्वायर रूट x-1, ये फंक्शन है, नीचे लिखा हुआ 2 अपॉन स्क्वायर रूट x-1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मैंने इसकी डोमेन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? सर नहीं आता मुझे। नहीं आता भाई, देखो निकालने का तरीका ये होगा, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है ना, उसके जो अंदर लिखा हुआ होता है उसको आप हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखते हो, और आप वो वैल्यूज मालूम करते हो कि किन वैल्यूज पे वो पूरी चीज ग्रेटर देन जीरो आ रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप नेगेटिव नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जवाब भी साथ दूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिचुएशन होती कि सिंपल आपके पास आता स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, तो आप क्या करते, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना एक्स माइनस वन, इसको आप रखते ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये रखते और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते, एक्स की जो वैल्यूज आती वो ठीक होती। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में था तो इक्वल टू जीरो वाला काम नहीं होगा इसके अंदर, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, जस्ट एक्स माइनस वन को ग्रेटर देन जीरो रखते, ये जवाब था इसका। चलो आप कुछ तो मुझे बताई थी, आपने बिल्कुल भी नहीं बताया, तो इसलिए कुछ नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कुछ आइडिया आप दे देती मुझे लेकिन नहीं दिया। अच्छा रोहा अपना माइक्रोफोन ऑन करो आप। जी सर। अच्छा जी, कंपोजिट फंक्शन के बारे में पता आपको या नहीं? नहीं पता। चलो मैं सवाल चेंज करता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता होगा? जी थोड़ा सा आइडिया है सर। थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा नहीं चलेगा ना, उससे रिलेटेड आपने तीन बातें मुझे बतानी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या डोमेन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या रेंज है? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो डोमेन है वो रियल नंबर्स हैं सारे, यानी कि वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, और सर उसकी जो रेंज है वो वैसे तो सब हो सकता है, लेकिन एक तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता और एक वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव हो सकता है। जी सर नेगेटिव हो सकता है। तो गलत बताया आपने ये, चलो ये सवाल गलत है। क्वाड्रेंट बताओ। क्वाड्रेंट सर, क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ? फर्स्ट और फोर्थ नहीं, गलत बताया आपने। आपने बस एक ही सवाल सही बताया, डोमेन उसकी। रेंज में आपने मिस्टेक क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आंसर में कभी आपको नेगेटिव नहीं मिलता, एक्सपोनेंशियल में कभी आपको जीरो नहीं मिलता, एक्सपोनेंशियल में हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है। तो अब ये समझ लो पॉजिटिव रियल नंबर्स रेंज होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, डोमेन सब होती है, बिल्कुल सही बताया आपने। और जहां तक क्वाड्रेंट की बात है तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। सिंपल मैंने बात की f(x) = a^x, अगर आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे फिर वो हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जा रही है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट उसका होता है, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो थर्ड और फोर्थ में चला जाएगा। तो खैर आपके मैं तीन ही नंबर दूंगा, क्योंकि एक ही सवाल आपने बिल्कुल सही दिया। क्या नाम था आपका? रोहा। तीन नंबर देने आपको। अच्छा भाई अनवर माइक्रोफोन ऑन करो, तुमने ख्याल लगता है पहले से ऑन किया है, नहीं किया? चलो करो। यस सर। यार एक सवाल नहीं समझ आ रहा मुझे यार, ये क्या कहते हैं, ऐसा कोई ग्राफ जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक हो? सर जी मॉडुलस वाला फंक्शन एक्सिस। मॉडुलस फंक्शन एक्स के हिसाब से सिमेट्रिक होता है क्या? नहीं वो वाई के साथ होते। तो ऐसा कोई ग्राफ, पहले तो तुम मुझे बताओ क्या कहते हैं, कोई ऐसा ग्राफ की एग्जांपल दे दो ना कोई, कि जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक है। y² = x। एक्सीलेंट भाई, बिल्कुल सही जवाब दिए, मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। y² = x जो है ये ऐसा ग्राफ होता है जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इस टाइप का ग्राफ। यस एक्सीलेंट जवाब है भाई। यार मैं तुम लोगों से कैटेगरी पूछना भूल गया, तुम लोग सब फंक्शन के आंसर दे रहे हो, कैटेगरी बतानी थी यार, लेकिन चलो हम फंक्शन का कर रहे हैं अब तो फंक्शन के रहने देते हैं। नेक्स्ट सवाल में मैं ऑप्शन दे दूंगा, लिमिट डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव जो भी है। अच्छा तुम ये बताओ अगर मैं तुम्हें किसी फंक्शन की डोमेन दे दूं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है 159, डोमेन मतलब इनपुट, तुम 1 पुट कर सकते हो, तुम 5 पुट कर सकते हो, तुम 9 पुट कर सकते हो। मैं कहता हूं उस फंक्शन के बारे में तुम्हें और कुछ नहीं पता, तुम्हें जस्ट उसकी डोमेन पता है। सवाल यह है कि जब मैं उस फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा
तो उसके इनवर्स के बारे में कुछ तुम्हें पता है होगा या नहीं? सर जब तक ये नहीं पता कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, तो मैं किसी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते ना। चलो मैं कहता हूँ बाइजेक्टिव है, फाइंड कर सकते हो तुम, अब बताओ। सर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं है फिलहाल तो। भाई देखो कुछ देना चाह रहे हो जवाब? नहीं नहीं सर क्या है। अच्छा देखो सीन ये होता है कि तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है इसका मतलब उसका इनवर्स एक फंक्शन होगा, बहुत बेसिक सी बात है ये। और अगर एक फंक्शन है उसका इनवर्स भी फंक्शन है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो फंक्शन की डोमेन है वो रेंज होगी उसके इनवर्स की, और जो फंक्शन की रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन होगी। पता थी ये बात? तो इस प्रॉपर्टी का तुम इस्तेमाल करोगे। मैंने तुम्हें बोला था कि फंक्शन की डोमेन है 159, तो इसका मतलब इनवर्स की रेंज क्या होगी 159? एक सवाल है कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड, आता है कंपोजिट फंक्शन या नहीं? जी आप पूछें। अच्छा अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कभी, एक सेकेंड, ये कंडीशन आ जाए तो ये कंडीशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? चलो अब इतना टाइम इंतजार नहीं करेंगे ना भाई। देखो अगर दो फंक्शन की कंपोजिशन में एक्स आ जाए, इसका मतलब वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। जब एक फंक्शन के इनवर्स के साथ जब आप कंपोजिट निकालते हो ना, तो रिजल्ट में एक्स आता है, बस ये जवाब था इसका। चलो अब कोई हो गया, रह गया कोई? कौन रह गया? रोहा हो गई, कौन रह गया खुद बता दो। जायद तुम रह गए हो, सही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा जी यार अब मेरे पास सवाल रह गया कि यार पहले तो ये बताओ ऑड फंक्शन के बारे में क्या जानते हो? सर ऑड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो मतलब अगर कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करें तो उसका आंसर मतलब नेगेटिव ही हो जाए, जो रियल फंक्शन हो वो हमें ना मिले, उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। अच्छा ये कंडीशन मैंने बता दी। सिमेट्रिक का पता है? ऑड फंक्शन किसके रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक होते हैं? ऑड फंक्शन जी सर आई थिंक सो बाय एक्सिस के। नहीं नहीं सर आई थिंक नहीं करना ना। ये तीन सवाल थे ऑड फंक्शन के बारे में, तुमने कंडीशन सही बता दी है, बिल्कुल सही बात है। सिमेट्रिक तुम बता नहीं रहे, दोबारा क्यों गेस कर लो किसके रिस्पेक्ट से लगता है सिमेट्रिक होंगे? नहीं इतना बता। वैसे ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नेक्स्ट सवाल मेरा ये था कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है, तो तुमने ओरिजिन का नहीं बताया तो उसके आगे मतलब समझ नहीं आएगा। तो तुम्हें मिलेंगे तीन नंबर ही, तीन या चार नंबर देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर आप ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर दो तो ग्राफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, आप उसे ग्राफ को उठाओ और 180 डिग्री रोटेट कर दो, वो ग्राफ वैसे का वैसे ही रहेगा। ये मतलब होता है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का। तो जाहिर तुम्हें मिलेंगे, चलो चार नंबर मैं दे देता हूँ। 10/3 नेचुरल नंबर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम चार नंबर दे देते हैं तुम्हें। अब मुझे बताओ कि रह गया? नहीं रह गया, 8 बचे थे। तो पहला सवाल तो हो गया, अनफॉर्चुनेटली पिक योर कैटेगरी का मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अब ऑप्शन मिलेगा आपको। तीन टॉपिक है, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो अब जो भी माइक्रोफोन ऑन करेगा सबसे पहले वो ये बताएगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा फिर। तो अब मैं किससे स्टार्ट करूं, जो सबसे पहले कौन स्टूडेंट था? कायम। कायम माइक्रोफोन ऑन करो। बताओ कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन? डेरिवेटिव चूज करना है। यार बहुत बच्चों वाला एक फंक्शन है, लेकिन तुम्हें पता है मेरी मैथ वीक है, थोड़ी आ नहीं रहा मुझे, थोड़ी हेल्प कर दो उसके अंदर। फंक्शन बड़ा बच्चों वाला है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए तुम्हारे पास 30 सेकंड हो गए सोचने के लिए। जरा गौर से देखो सवाल को, कुछ जानते हो इसके बारे में? एटलीस्ट चलो आंसर ना बताओ, मुझे टेक्निक बता दो क्या करना है इसके अंदर। इसमें ये दोनों दूसरे e की पावर 2 और 2 पाई ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे और फिर x की पावर e का हम डेरिवेटिव लेंगे। एक्सलेंट भाई, और जरा ये भी बता दो x की पावर e का डेरिवेटिव क्या होगा? e पीछे आ जाएगा और x और e पावर -1। यार बहुत जबरदस्त जवाब है, ये मुश्किल हो सकता था, तुमने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, खुशी हुई है मुझे। 10 नंबर पूरे। राफे जरा माइक्रोफोन ऑन करो, फौरन अपनी कैटेगरी बताओ। लिमिट पूछ ले। यार लिमिट ना करो, फंस जाओगे यार। लिमिट कोई भी ना करे, लिमिट के बड़े तगड़े क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास इजी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन तुमने बोला है तो अब नेक्स्ट टाइम इबरत बना देंगे हम इसको कि कोई लिमिट पूछे नाम से। यार सैंडविच थ्योरम के बारे में क्या जानते हो? सर सैंडविच थ्योरम के
जो बराबर हो, मतलब तीन फंक्शन हो, तीनों बराबर हो, जी ऑफ वाई एच जी एच और जो तीसरा फंक्शन है एच जी, ये सारे सिमिलर हो, मतलब जी एच के बराबर हो या इससे छोटा हो, एच अगला फंक्शन से छोटा हो बराबर हो जे के, मतलब इस पे रिजल्ट क्या निकालना है फिर थ्योरम से? चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं फायदा क्या होगा सैंडविच थ्योरम का, क्या फायदा कर रहा है वो? सर एग्जांपल जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये सैंडविच थ्योरम है, इसका मतलब है वन आंसर आएगा अगर लिमिट उसकी होगी। ये तुमने रिजल्ट बताया, सैंडविच थ्योरम में कंडीशन क्या लगाई थी हमने इसकी, अगर तुम वो बता दो भूल जाएंगे पूरे। कंडीशन कंडीशन ये थी कि तीन फंक्शन होंगे, बिल्कुल सही है, तीनों एक दूसरे से बराबर होंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। सैंडविच थ्योरम ये होता है कि तीन फंक्शन है, भाई ने बिल्कुल सही कंडीशन बताई है कि सबसे छोटा फंक्शन होता है, फिर उससे बड़ा फंक्शन होता है, फिर उससे बड़ा होता है। इसको आप इस तरह लिख सकते हो कि f जो है वो लेस है g से, g जो है वो लेस है h से। फायदा ये होता है कि अगर किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इस तरीके से, क्या आपके तीन फंक्शन है और तीनों फंक्शन सैंडविच हुए हैं किसी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे देखो, वैसे फंक्शन अलग है ये, अगर देखो इस पॉइंट पे तीनों फंक्शन सैंडविच हुए हैं, तो बिल्कुल जो अपर वाला फंक्शन है और जो बिल्कुल नीचे वाला फंक्शन है, अगर आपको उसकी लिमिट पता है, वो लिमिट आपस में इक्वल है, जैसे ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट भी फॉर एग्जांपल 2 है, नीचे वाले की लिमिट भी 2 है, तो इसका मतलब जो दरमियान वाला फंक्शन होगा उसकी लिमिट भी 2 होगी। ये फायदा होता है कि ऊपर नीचे वाले फंक्शन की लिमिट बराबर, तो इसका मतलब जो सैंडविच हुआ हुआ उनके दरमियान उसकी लिमिट भी बराबर हो जाएगी। सिंपल मानो में इस तरह समझाते हैं, मैं जीरो नहीं दूंगा तुम्हें, मैं फिर भी 5 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने आइडिया दिया था कि फंक्शन नीचे ऊपर होते हैं, कुछ ना कुछ तुम्हें आता है वो, तो मेरे ख्याल में आप देख लिया सबने के लिमिट चूज नहीं करनी। चलो भाई माइक्रोफोन ऑन करो, कौन ऑन करेगा? उमामा माइक्रोफोन ऑन करो यार अब, और कैटेगरी बताओ। सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, चलो भाई डेरिवेटिव जरा देखते हैं। एक बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, लेकिन आपको पता है मुझसे नहीं होता, जरा आप ट्राई करो जरा। सवाल है ln x, और ये x के ऊपर पाई अपॉन e लिखा हुआ है, ये पाई अपॉन e पावर होल फंक्शन की नहीं है, ये जस्ट x के ऊपर पाई अपॉन e लिखा हुआ है, कैसे डिफरेंशिएट करें? सर 1/x की पावर पाई अपॉन e, 1/x की पावर पाई अपॉन e, मतलब क्या लगाया, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया जरा मुझे समझाओ। सर ln x का डेरिवेटिव जैसे लेते हैं तो 1/ आ जाता है, तो उसमें बस लगा दिया, क्योंकि पाई अपॉन e तो एक कांस्टेंट है, और x की पावर जैसे अगर आप कांस्टेंट 2 लेते हैं तो x पाई अपॉन e को भी वैसे ही सपोज करके सिंपल ln वाला लगा दिया डेरिवेटिव जैसे लगता है। मतलब आपने इस 1/x पाई अपॉन e कर दिया, उसके बाद ऊपर क्या किया आपने? सर ln x की जैसे लगाते हैं आप, ln x की पावर स्क्वायर लगा रहे हैं, तो फिर 1/x की पावर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव होगा, तो पाई अपॉन ई एक्स की पावर पाई अपॉन ई माइनस वन। सही है, मतलब आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, आपने सबसे पहले इस एक्स को नीचे लेके, ये होगी एक्स की पावर पाई अपॉन ई, मतलब ये वाली सिचुएशन की आपने, ठीक है? हाँ जी, और फिर उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव ऊपर, फिर पावर लगा दिया एक्स की पावर पाई अपॉन ई, पाई अपॉन ई हो गया, और एक्स की पावर पाई अपॉन ई माइनस वन। अच्छा, इसका बहुत ही मुश्किल तरीका आपने देखा, इसका सिंपल तरीका हो सकता है कि भाई जो पाई अपॉन ई है ना, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक्स की पावर मौजूद है तो लॉग कहता है उसको पीछे ले आओ, तो आप इसको इस तरह कर लेती पाई अपॉन ई एलन एक्स, फिर पाई अपॉन ई कांस्टेंट होता, एलन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और फिर आप एक्स को ऊपर ले जाते बिल्कुल, तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाता, लेकिन आंसर आपने सही दिया तो इसलिए आपको 10 नंबर मिलेंगे पूरे। अच्छा जी, रोहा माइक्रोफोन ऑन करो आप अपना। जी सर। कैटेगरी बताओ ना यार। डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सब चूज कर रहे हैं, को मुश्किल देना पड़ेगा मुझे लगता है, आ गया मुश्किल। आहा, क्या सवाल है, इस सवाल के अंदर मेरा नाम है, तो जरा सवाल की आप अहमियत देख लो, कितना पाक सवाल है ये भाई। सवाल ये है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेरा नाम आ रहा है। मैं आपको आसानी कर देता हूं, एक्स के अलावा बाकी सब रियल नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। सर तो पहले y इक्वल्स टू फंक्शन कर लें, फिर y इज इक्वल टू फंक्शन कर लिया, फिर टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स कर लें, ले लिया ln, फिर तो जो वो जो e की पावर थी वो नीचे आ गया, यानी वो सही है, फिर ln से e कैंसिल हो गया,
ln e 1 होता है, सही है, तो पीछे बचेगा 7x क्यूब, फिर अब जो है ln y की जगह dy upon dx और 1 upon y बचेगा, सही है, फिर हम डिफरेंशिएट करने के बाद बचेगा, ये डिफरेंशिएट करने के बाद बचेगा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर जाके ये बचेगा। मैं ये जो राइट हैंड साइड पे आपका 7x क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे ये बताओ। सर डिफरेंशिएट पहले 7 तो अलग हो जाएगा क्योंकि जो है वो कोएफिशिएंट है, 7 अलग हो सकता है, चलो अलग हो गया, फिर वो रियल नंबर है ना, तो फिर सही बात है, उसके ऊपर वो नहीं लगेगा, डेरिवेटिव नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है, 3 जो पावर में है वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा और 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और फिर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे y है उधर जाके मल्टीप्लाई, हां ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा लंबी की है, ये सवाल सिंपल था e की पावर वाला, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका था एक्सपोनेंशियल का रूल, मैंने क्या बताया हुआ था कि एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉपी करो और उसके पावर का डेरिवेटिव ले लो, दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले एज इट इज आप कॉपी करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे पावर के डेरिवेटिव से, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 3x2 7, जो कि आपने इतनी लंबी किया, लेकिन सवाल आपने सही किया, इसका मतलब आपको संभव पूरे मिलेंगे, अच्छा जवाब था यार आपका। अच्छा भाई अनवर माइक्रोफोन ऑन करो, कैटेगरी बताओ। सर जी डेरिवेटिव, ये सवाल है सर जी, यस सर, सर जी कंफ्यूज हो गया मैं, कंफ्यूज हो गया भाई, बहुत अच्छा वाला सवाल है, मैं बताता हूँ कैसे भाई, ये sec जो है ना ये क्या होता है 1 upon cos, यस सर, ठीक है, ये cos sec क्या होता है 1 upon sin, और टेंजेंट क्या होता है sin upon cos, यस सर, ठीक है, तो नीचे वाले sin से वाला sin कैंसिल, यस, इस वाले cos से वाला cos कैंसिल, 1 बचेगा सर, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। सर जब मैं शुरू से इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा था, मसला पता है क्या, बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाने लग जाते हैं, यस सर, तो वहीं तो हम पकड़ेंगे फिर आपको, इसलिए कहा था डेरिवेटिव चूज कर रहे हो, फंस रहे हो तुम लोग, खैर तुम मर्जी, सवाल मुश्किल नहीं था, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ मैंने कोई बदला उतारा था, जरा माइक्रोफोन ऑन करो, इंटीग्रल, इंटीग्रल, अच्छा जी यार एक सवाल है कहा, तुम तो कर ही लोगे यार, मास्टर बंदे हो तुम, सवाल है भाई एक्स और एक्स की पावर में ई स्क्वायर है और पाई आपस में एड हो रहे हैं, एक्स की पावर ई स्क्वायर प्लस पाई डी एक्स, ये सवाल है, क्या लगता है क्या करें इसके ऊपर, ई स्क्वायर प्लस पाई प्लस 1, एक्स ई स्क्वायर प्लस पाई, नहीं सॉरी आई एम सॉरी सर, एक्स एक्स रेज टू द पावर ई स्क्वायर प्लस पाई प्लस 1 ओवर ई स्क्वायर प्लस पाई प्लस 1, एक्सलेंट भाई सही बात है, बिल्कुल कहा था इंटीग्रल चूज करो, अच्छा सभी माइक्रोफोन ऑन करो और बताओ क्या चूज करना है, इंटीग्रल सर, अच्छा अब मजे आ रहे हैं, अब इंटीग्रल में मुश्किल देते हैं ना, इसको भी इबरत का निशान मनाते हैं, अच्छा जी एक इंटीग्रल है बहुत बच्चों वाला है, लेकिन दिखने में बच्चों वाला नहीं है भाई, एक फंक्शन लिखा हुआ है 52 जिसकी पावर में साइन एक्स है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cot x अपॉन cos x, सर 52 sin x plus c, 52 sin x plus c, 52 के साथ sin मल्टीप्लाई हो रहा है पावर में मौजूद है और उसके साथ बस लिए c आ रहा है बस जी, मतलब ये आंसर आप कहना चाह रही हो जो नेट नीचे लिखता है, एक मिस्टेक किया भाई, इसके नीचे क्या आएगा ताहा बताओ, ln 52 ये मिस कर दिया आपने, एक्सपोनेंशियल था ना, क्योंकि ई नहीं था, अगर ई होता तो उसके नीचे कुछ नहीं आता, ये 52 था, तो काइंड ऑफ आपने सही बताया बिल्कुल, लेकिन फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे क्योंकि एक चीज आपने मिस कर दी है, 7 नहीं बल्कि 5 मिलेंगे, आपने आधा डेरिवेटिव काट लिया, जायद अपना माइक्रोफोन ऑन करो, जी सर, क्या कैटेगरी चूज किया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जी सर, यार ये मुझे बताओ चेन रूल के बारे में पता है, चलो यार सवाल चेंज कर लेते, क्या हो गया तुम्हें नहीं पता, तो मैं इतना, हम तुम्हें एक सवाल ही दे देते हैं, बताओ फिर डेरिवेटिव क्या है, लॉग ए पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, नहीं ln a मल्टीप्लाई हो रहा है x से, पावर नहीं है, अच्छा सर नहीं पता, कुछ भी आइडिया समझ नहीं आ रहा,
जो न्यूमरेटर में ln a लिखा हुआ था, न्यूमरेटर में e की पावर a लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में tangent inverse a लिखा हुआ था, ये सब जाएंगे डेरिवेटिव के बाहर, क्योंकि मैंने बताया था x के अलावा सब कांस्टेंट ट्रीट करना है आप लोगों ने। न्यूमरेटर में बचेगा x, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 upon x, x को जब डिवाइड करोगे 1 upon x से तो ये x square हो जाएगा। तो सिंपल आपको असल में x square का डेरिवेटिव लेना था जो कि 2x के बराबर होता है, तो बाकी सब चीजों को साइड पे रखना। तो बच्चों राउंड 2 हमारा खत्म हो गया, राउंड 2 के इख्तिताम पे हम स्कोर देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। बच्चों कायम है उसका स्कोर है 15, राफे का स्कोर भी 15 है, उमामा का 10 है, रोहा का 13 है, अनवर का भी 10 है, ताहा का 10 है, सबिया का 5 है, जायद का 5 है। तो दो टॉप कर रहे हैं कायम और राफे। अब आएगा राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 3 में आप बाउंस बैक कर सकते हो। राउंड नंबर 3 जो है ना बच्चों, ये है डिटेल राउंड, वैसे तो डेयर डेविल था लेकिन हम पहले डिटेल का कर लेते हैं, ठीक है। तो राउंड नंबर 3 को हम डिटेल रखते हैं। इसमें ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जो पहले सॉल्व करेगा वो माइक्रोफोन ऑन करे या चैट में आंसर बता देगा। सिंपल था, एक सवाल दिया जाएगा, अपनी कॉपी यूज करो क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा होगा, आपको कॉपी यूज करनी पड़ेगी, डिटेल कैटेगरी है इसकी। तो सवाल सॉल्व करोगे और सवाल में मुश्किल फंक्शन आ रहा होगा तो मैं क्या आसानी करूंगा, मैं कहूंगा जो भी आंसर आ रहा है उसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दो। तो वो करने के बाद जो भी आंसर आएगा फौरन आपने बताना है, जो पहले बताएगा उसके प्लस 20 मार्क्स किए जाएंगे क्योंकि डिटेल क्वेश्चन है ये, 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। माइक्रोफोन अभी बंद कर दो भाई, हमारा शोर बड़ा आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से फिर दोबारा एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, तो जो जवाब देता जाएगा पहले उसके प्लस 20 होते जाएंगे। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, जो भी आंसर आए उसमें एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना। ln 1 माइनस 1 ln a, ln 1 माइनस 1 ln a आया पहले, तहा ने बोला। अभी एक सेकंड रुक जाओ, अब कोई और आंसर नहीं देना, अभी मैं खुद सॉल्व करना चाह रहा हूँ। बल्कि तुम लोग बता दो, तहा ने क्या बोला, तहा क्या बोला तुमने जल्दी बताओ। सर मैंने ln a कहा था। अच्छा, उसके बाद किसी और ने ln a बोला था इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं। सर मैंने बोला था, लेकिन पहले तहा ने बोला था, वहां तहा के, और उसके बाद सभी ने ln 1 बोला था लेकिन वो लगता नहीं है। अच्छा, अगर आप x की जगह पे 0 पुट करोगे, नहीं तहा गलत आंसर है तुम्हारा, गलत है, ln a माइनस 1, एक्सीलेंट, किसने दिया ये, उमामा ने, ln a माइनस 1 था क्योंकि जब आप, अच्छा मैं मेथड बता देता हूँ, आपने जस्ट क्वेश्चन टूल लगाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ये u हो गया, ये v हो गया, सबसे पहले आपने v को रखा साइड पे, a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x ln a, फिर आप करोगे माइनस a की पावर x को आपने साइड पे रखना है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, डिनोमिनेटर में क्या होगा, v का स्क्वायर करोगे, e की पावर x का स्क्वायर करोगे, ऊपर e की पावर x आ रहा है कॉमन ले लेना, ऊपर वाले से एक नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे जस्ट e की पावर x बचेगा। तो अब आपने 0 पुट करना है, a की पावर 0 1 होता है, सिंपल ln a बचेगा, इसी तरह a की पावर 0 1 1 हो जाएगा, तो ln a माइनस 1, डिनोमिनेटर तो वैसे ही 1 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो उमामा है उनके प्लस 20 हो गए और उनके तो काफी चांस हैं आखिरी राउंड खेलने के और जीतने के भी, तो ये मैंने प्लस 20 कर दिया आपके। अब दोबारा सवाल है, दूसरा ऑप्शन है, जल्दी सोचना, सवाल थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन जवाब बता दोगे आप लोग। एक इंटीग्रल का सवाल है, ई की पावर में लिखा हुआ है 4x, नीचे लिखा हुआ है 3 प्लस ई की पावर 8x, और दिखने में सवाल ये लगता है। सर मैं दे सकती हूँ? नहीं नहीं आप ना दो यार, फिर आपको ज्यादा हो जाएगा, अगर किसी को ना आया तो फिर तो बेस्ट है, आप दोगे आपके मार्क्स पड़ जाएंगे। ये पहले बाकी को ऑप्शन देते हैं, बहुत देर हो गई भाई, इतना तो लंबा सवाल भी नहीं है। चलो उमामा बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। सर कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 1/4√3 tan inverse 1/√3 plus c। एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब दिया है। थोड़ा और सिंपलीफाई आप कर सकती थी, tan inverse 1/√3 पाई बाय 6 होता है, बाकी जवाब बिल्कुल ठीक है आपका, एक्सीलेंट है भाई, आपकी तो प्लस 20, आप तो आप पता नहीं आसमान पे चली गई हो। खैर ये इसका मेथड था भाई, इसमें सिंपल फॉर्मल लगाना था जो आपने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, टेंजेंट इनवर्स वाला, आपने फंक्शन को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन तभी डिटेल बोला गया था ये। तो ये सॉल्यूशन आप लोग देख लो, अगर नहीं समझ आया तो बाद में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो एंड पे ऊपर आंसर मैंने लिखा हुआ है,
परफेक्ट इसका आंसर था पाई अपॉन 24 रूट 3, लेकिन जो उमामा ने बताया वो भी ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यही आएगा। अब बस आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद ही हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। वो क्वेश्चन है, इजी है, कर लोगे आप लोग इंशाल्लाह। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है भाई, फंक्शन लिखा हुआ है 10 की पावर एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर एक्स। ये सवाल है, अगेन जब आंसर आए तो एक्स की जगह जीरो पुट कर देना। सर माइनस साइन एक्स ई की पावर 11x प्लस कॉस 11 कॉस एक्स ई की पावर 11x। सर 1 ओवर ln e प्लस 10, 1 अपॉन ln e प्लस 10 नहीं यार। अच्छा मैं यहाँ पे मौका देता हूँ सबको, जिनके सवाल का आंसर आ रहा है वो बताएं कि उनका मेथड कैसे है। ताहा तुमने क्या मेथड किया यहाँ पे? सर मैंने पहले 10x और ex को पहले मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया कैसे? पावर सेम है तो मैंने मिस्टेक करी है मुझे लग रहा है। अच्छा ये एक और स्टूडेंट ने भी किया, पावर सेम हो तो बेसिस मल्टीप्लाइड वैड कुछ नहीं होती भाई, कौन सा रूल तुम लोग देख रहे हो? हाँ अगर पावर सेम हो दरमियान में इक्वल साइन हो तब आप बोल सकते हो बेसिस आपस में। प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, अगर प्रोडक्ट रूल वैसे दो फंक्शन पे लगता था, यहाँ पे कैसे लगेगा? ये हमको क्योंकि u डैश v और इनटू x फिर प्लस v u v डैश प्लस x और इनटू x उसके बाद u v और x डैश। सही, मतलब तुम ये करना चाह रहे हो कि तुम तीन फंक्शन है, तुम एक को डिफरेंशिएट करते हो बाकी दो को साथ करते हो। तो इसके मुताबिक आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा भी? सर इसके मैं पहले वो 10x आपने बताया था ना, तो मैं न्यूमरल 10 समझ रहा था। नहीं 10x नहीं, 10 की पावर x है। तो देखो मैं बता देता हूँ, जायद ने मेथड सही बताया, कुछ नंबर उसको मिल जाएंगे लेकिन पूरा नहीं मिलेगा भाई। तीन फंक्शन पे जब आप प्रोडक्ट टूल लगाते हो तो प्रोडक्ट टूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बाकी दो को आपने सेम रखना है, तीसरे को डिफरेंशिएट करना है। जैसे 10x cos x को मैंने सेम रखा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस, अब मैंने क्या किया, मैंने 10 की पावर x e की पावर x को सेम रखा, मैंने cos को डिफरेंशिएट किया जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। फिर मैंने क्या किया, मैंने e की पावर x cos x को एज इट इज रखा, मैंने 10 की पावर x का डेरिवेटिव लिया जो कि इसके बराबर आ गया। और फिर मुझे क्या करना था, x की जगह जीरो पुट करना था। इधर मैं जीरो पुट करूंगा ये पूरा वन हो जाएगा, इधर जब जीरो पुट करोगे साइन खत्म कर देगा, इधर जब जीरो पुट करोगे हर चीज वन होगी, सिर्फ ln 10 बचेगा। तो इसका आंसर होगा ln 10 प्लस 1। तो मेथड जायद का ठीक है इसलिए प्लस 10 उसको मिलेंगे। अब आ गया राउंड 4। भाई राउंड 4 का सीन ये है कि इस राउंड का नाम है डेयर डेविल, रूल समझ लो इसके। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चंस, इसमें आपसे पूछे जाएंगे तकरीबन तीन क्वेश्चंस। वो तीन क्वेश्चंस किसी ने नहीं कहा जवाब ना दो उसके, मैं रिकमेंड करूंगा जवाब नहीं देना उसके। क्यों? अगर तो जवाब दे दिया तो 30 नंबर होंगे, 30 नंबर, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया तो माइनस 10। अब जरा सवाल सुन लेना, उसके बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि कोई भी जवाब देने के काबिल नहीं है, मे भी कोई काबिल हो जाए। पहला सवाल है, जिसने जवाब दिया 30 नंबर, तो जो बेचारे हमारे सभिया टाइप के लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं इस राउंड में। भाई एक फंक्शन है लॉग फंक्शन, के बारे में सब जानते हैं। लॉग फंक्शन के अंदर जो एक्स होता है वो आप नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। सवाल ये कि नेगेटिव क्यों नहीं पुट कर सकते हैं? सर क्योंकि ऐसे कोई पावर नहीं है जिसका, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी पावर करें हम, कोई भी पावर करें और आंसर नेगेटिव है। बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया इसने, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि तुम नंबर से रिलेटेड काफी जानते हो। मैं आप लोगों को सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत जबरदस्त जवाब दिया है लड़के ने, बहुत खुशी हुई है मुझे। ये सिचुएशन है भाई, देखो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आते हैं, y इज इक्वल टू a की पावर x है, इसी से आप लॉग बनाते हो। जो इसकी बेस है ना, अगर आप देखो इसकी बेस a है तो लॉग की भी बेस वही होती है। और यहाँ पे जो पावर x है जो आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में नजर आ रही है वो x यहाँ पे चला जाता है लॉग में, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे जा रहा है, और जो यहाँ पे y है वो लॉग में नजर आ जाता है। तो मेरा सवाल ये था कि जो y आपको नजर आ रहा है मतलब लॉग में जो आप वैल्यू पुट करोगे ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? तो उसकी वजह यह है कि y देखो यहाँ पे, ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसकी वजह है कि आप किसी भी नंबर की पावर आप जब करते हो तो आंसर आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा। ए हमारा पॉजिटिव हुआ करता था, पॉजिटिव नंबर की आप कोई भी पावर करो कभी आपके पास नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब वाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये वही वाई यहाँ पे मौजूद है। इसको टेक्निकल तौर पर समझो, लॉग आपसे कहता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा लॉग 10 100, इसका आंसर 2 होता है। इसका आंसर का मतलब क्या है कि मैं 10 की ऐसी क्या पावर करूं कि आंसर मेरे पास 100 आए, ये इसका मतलब होता है।
तो अगर यहाँ पे बेस कोई भी पॉजिटिव है, मैं इसकी क्या पावर करूं कि मेरे पास नेगेटिव 100 आए? ऐसी कोई पावर ही नहीं है। आप पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, नेगेटिव नहीं आ सकता। आप पॉजिटिव नंबर की पावर नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव कर लो, कभी भी आंसर में आपको नेगेटिव नहीं मिल सकता। तो दैट्स व्हाई लॉग के अंदर अगर नेगेटिव पुट करो सेंस नहीं बनती। हाँ, नेगेटिव पे कॉम्प्लेक्स आंसर हो जाता है, उसमें हम डील नहीं करते, इमेजिनरी हो जाता है, लेकिन इसमें मसला नहीं होता। तो उसका मतलब तहा तुम राउंड में आ गए हो, कॉन्सेप्चुअल सवाल में तुम आगे निकले हो, तो तुम्हें यहाँ पे कितने मिलेंगे? 30 नंबर। अब जरा दूसरा सवाल है, गौर से सुनना, इसका मतलब आ सकते हो वापस आप लोग भी। सवाल है भाई लिमिट से रिलेटेड, अब जरा देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। सवाल है कि भाई एक फंक्शन है 1/x, तहा तुम नहीं अब जवाब दे सकते, फंक्शन है लिमिट, अगर सबने नहीं दिया तो फिर तुम दे सकते हो। ये फंक्शन है 1/x और इसका x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, ये एक लिमिट है। सबसे पहले मुझे बताओ क्या लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि दोनों तरफ से लिमिट वो नहीं हो सकती, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जीरो। एक्सीलेंट, सभिया ने सही बताया, सभिया का जवाब ठीक है, बाकी सबका इतना मजे का नहीं है। सभिया ने एक पॉइंट रेज किया है कि ये जो सवाल है इसमें लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट। क्या वजह बताइए उसने? कि भाई अगर आप पॉजिटिव लिमिट निकालोगे, मतलब अगर आप पॉजिटिव तरफ से आओगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव तरफ से आओगे तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए, यह परफेक्ट जवाब है, ठीक है। और इसके बाद मजीद अगर आगे जाएं, अगर आप राइट और लेफ्ट लिमिट देखो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रही है, इसको भी आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने की शर्त क्या होती है कि राइट और लेफ्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए सबसे पहले। इन्फिनिटी जब लिमिट आती है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब राइट और लेफ्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जिन सवालों में एग्जिस्ट करेगी, फॉर एग्जाम्पल राइट लिमिट 2 है, लेफ्ट लिमिट फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो फिर आप देखोगे क्या वो आपस में बराबर है। अगर आपस में बराबर नहीं है फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करे और आपस में बराबर हो तब आप बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया है सभिया ने, तो वो गेम में वापस आ गई है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब आखिरी सवाल है, जो जवाब देगा इसका मतलब मजा आएगा, 30 नंबर मिल जाएंगे उसको। भाई डेरिवेटिव का सवाल है एक, और सवाल ये है कि यार ये जो मॉडुलस फंक्शन है, सबसे पहले सवाल को गौर से सुन लेना और इस पर नेगेटिव मार्किंग है, -10 हो जाएंगे, इस पर सोच समझ के अटेम्प्ट करना है आपने। पहले पे -10 कुछ भी नहीं थे क्योंकि सब इस पे दौड़ पड़ेंगे, इसलिए -10 जो भी जाएगा कि सर मैं जवाब देना चाहता हूं, तो फिर अगर उसने गलत जवाब दिया नेगेटिव मार्किंग होगी। सवाल जरा गौर से सुन लो कि मॉडुलस का जो डेरिवेटिव है क्या वो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है? ये कंप्लीट सवाल नहीं है, कंप्लीट सवाल नहीं है, तहा रुक जाओ। मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब हो सकता है कि सर एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आपने मुझे बताने के कहां एग्जिस्ट नहीं करता, सुन लो पहले गौर से सवाल, फिर आप मुझे बताओगे सर यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर मुझे आप उसकी रीजन बताओगे एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा। ये पूरा कंप्लीट सवाल है, कौन जवाब देना चाहेगा? सर तहा ने पहले बोला। तहा अब तुम अगर नहीं जवाब दोगे, कोई एक सवाल भी गलत होगा -10 हो जाएगा, बताओ। सर अब लाइन से पूछ लें सर मुझसे सवाल, मॉडुलस का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? हर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता, ओरिजिन पर। अच्छा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? सर उस पर होल होता है या जंप होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक ना होल है ना जंप है, सॉरी सर वहाँ कर्व नहीं है ना, जिस पर आप जो एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर, जिस पर आप टेंजेंट लाइन इनफिनिट टेंजेंट लाइन बना सकते हैं ना वहाँ पर आप, तो इसलिए हम एक टेंजेंट लाइन बना नहीं सकते वहाँ पे, जिसके वजह से एक जैसे स्लोप निकाल नहीं सकते ना हम उस टेंजेंट लाइन का। तो जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव होता है स्लोप, टेंजेंट लाइन के स्लोप होता है, एक कर्व का स्लोप टेंजेंट लाइन बना के करते हैं हम, तो हम उससे इनफिनिटली हम मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना टेंजेंट की, तो इसलिए हम उस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो अनडिफाइंड है उस पॉइंट पर। बिल्कुल सही बताया यार भाई, देखो ये सिंपली कहना चाह रहे हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन होता है, ये यहाँ पे ना पॉइंट होता है, इस पॉइंट से पहले जब आप टेंजेंट लाइन बनाओगे तो उसका स्लोप 1 ही होगा, इस पॉइंट के बाद ये वाला टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है -1 होगा। तो इस पॉइंट से पहले या आप अपने रेफरेंस से बात करो, इस पॉइंट के बाद डेरिवेटिव 1 है, इस पॉइंट से पहले डेरिवेटिव -1 है, लेकिन इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन बना नहीं सकते। आपकी टेंजेंट लाइन इस तरह भी हो सकती है,
आपकी टेंजेंट लाइन इस तरह भी हो सकती है, आपकी टेंजेंट लाइन इस तरह भी हो सकती है। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी पॉइंट है, बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम नहीं कर सकते। ये है ग्राफ के जरिए से समझने का तरीका। अगर आप लिटरली मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव लो तो मॉडुलस फंक्शन होता है रूट एक्स, सॉरी मॉड एक्स, जो कि बराबर होता है रूट एक्स स्क्वायर के। तो जब आप एक ही चीज है, रूट एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लोगे ना तो ये डेरिवेटिव आएगा एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो अब जब आप इसमें एक्स जीरो पुट करोगे तो आप देख सकते हो जीरो अपॉन जीरो आ रहा है। अब अगेन जीरो अपॉन जीरो आपने पढ़ा था लिमिट के अंदर डिफरेंट आंसर हो सकते हैं उसके, ये चीज आपने यहीं पे देखी है कि डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। ये अलजेब्रिकली भी आपको नजर आ रहे हैं यार उसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं जब आप मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। यार एक चीज है कि ताहा ने ऑलरेडी जवाब दे दिया था, तो ये अनफेयर है कि अगर कोई और जवाब देना चाह रहा था तो मिस हो गया। तो मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि एक और स्टूडेंट भी बोला था बीच में, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर किसी और को पता है तो वो पूछ सकता दे सकता जवाब, वो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई और आखिरी ऑप्शन है, 14 सवाल है, ताहा तुमने नहीं देना, जो देगा उसको नंबर मिल जाएंगे। सवाल है कि इंटीग्रेशन में 6.11 में दो कॉन्सेप्ट थे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जरा सवाल सुन लो, उसके बाद फिर हम देखेंगे। आपने पहले एक्सप्लेन करना है कि भाई ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सबसे पहला आपका असाइनमेंट है कि ऑर्डर और डिग्री में फर्क क्या है। उसके बाद आपने बताना है एक एग्जांपल देके, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कि इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। सर जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की, मतलब ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। हाँ एक्सीलेंट, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर है मैक्सिमम, उसको आप कहते हो डिग्री। ये तो बात बिल्कुल आपने सही बोली है, लेकिन जो मैंने एग्जांपल दी हुई थी उसको सॉल्व कर सकती है, उसमें ऑर्डर डिग्री क्या है। सर दिखाएं। यार तुम लोग ना बहुत डिले कर देते हो, एक सेकंड, मिटा दी थी मैंने। ये एग्जांपल है, इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या है। वन, ऑर्डर वन है इसके अंदर, और डिग्री नहीं नहीं ऑर्डर नहीं डिग्री वन है, ऑर्डर थ्री है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड है, और फिर थर्ड के बाद वाई की पावर वन है, इसलिए डिग्री वन है। नहीं भाई कॉन्सेप्ट गलत है, उसकी वजह यह है कि ये जो ऑर्डर डिग्री का कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था कि डिग्री आप उसी वक्त निकालोगे जब आपके किसी डेरिवेटिव के ऊपर कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होगी। अगर आप देखो इस बेचारे डी स्क्वायर डेरिवेटिव के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है 3/2, तो फिर आप ये नहीं देखोगे कि हाईएस्ट की जो पावर है, ना ना ना, आपको पहले फ्रैक्शनल पावर हटानी पड़ेगी। किस तरह हटाओगे, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, तो यहां से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2, और यहां पे जब स्क्वायर लोगे उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप देखो आपके सारे डेरिवेटिव में किसी के ऊपर फ्रैक्शनल पावर नहीं है, अब आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 2, इसका मतलब डिग्री 2 है इसकी। तो ऑर्डर इसके अंदर 3 है, डिग्री इसके अंदर 2 है। चलो किसी ने सही जवाब नहीं दिया, मिलके दिया तो इसलिए, लेकिन मैं 10 नंबर दूंगा उसको। ये कौन सी लड़की बोली थी, उमामा बोली थी मेरे ख्याल में, 10 नंबर मैं इसलिए दूंगा क्योंकि डिग्री वाला कॉन्सेप्ट सही बताया था, और सभिया ने भी ऑर्डर का सही कॉन्सेप्ट बताया था सबसे पहले, तो सभिया को मिलेंगे 10। एक सेकेंड, हाँ चलो बच्चों ये राउंड खत्म हो गया हमारा, अब आगे हमने बढ़ना है, आखिरी राउंड पे आ जाओ, उसके बाद फिर फाइनल राउंड हो जाएगा, वो है विजुअल राउंड। आप लोग सबको एक ग्राफ दिखाया जाएगा, आपने उसका जवाब देना होगा कि वो किसका ग्राफ है। इसमें ऑप्शन है, 20 नंबर का सवाल है, इसमें मैं आपको एक क्लू दे सकता हूँ, अगर आप वो एक क्लू मुझसे लोगे तो 20 से 10 नंबर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आपने खुद ही बताना है तो पूरे 20 नंबर मिलेंगे, वरना अगर एक कम बताओगे, क्लू लोगे मुझसे तो 10 नंबर हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो सबसे पहले ताहा जो है तुम्हें मैं ग्राफ दिखाऊंगा, तुमने ग्राफ देखना है और बताना है कि भाई किसका ग्राफ है, क्या लगता है किस चीज का ग्राफ है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, ये मुझे फंक्शन का बता दो, एग्जैक्ट मैं इक्वेशन नहीं पूछ रहा। सर 1/e^x, 1/ क्या बोले, 1/e^x, 1/e^x, नहीं भाई ये सिंपल एक लॉग फंक्शन का ग्राफ है। अगर तुम ग्राफ में log x लिखते हो, कॉमन log का बेसिकली है ये, log 10 की बात, लेकिन ये सिंपल आएगा तुम्हारा, इसका मतलब तुमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। अच्छा अब हम एक और देंगे, कौन सा दूसरा बच्चा है, जो राफे अपना माइक्रोफोन ऑन करो भाई। हाँ राफे बताओ ये किस चीज का ग्राफ है यार, हिंट है कोई, देख लो हिंट मिलेगी तो फिर बता, नहीं नंबर कम हो जाएंगे। हिंट ये है कि भाई ये ऐसा फंक्शन होता है जो पॉलिनोमियल के बहुत करीब फंक्शन है ये, जिसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी होते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट भी होते हैं,
और पॉलीनोमियल के काफी करीब फंक्शन है कि चलो मैं इस फंक्शन का नाम बता देता हूं, तुम उसकी इक्वेशन बता दो मुझे। ये रैशनल फंक्शन है, क्या लगता है क्या इक्वेशन होगी इसकी? तुम अगर ये बोलते ना कि रैशनल है मैं तब भी मान लेता, लेकिन अब तुम इक्वेशन भी नहीं बता पा रहे। ये सिंपल वन अपॉन एक्स का ग्राफ है, रैशनल फंक्शन सिंपल वन अपॉन एक्स का ग्राफ है, तो तुम्हारे भी जीरो नंबर है इसके अंदर। अब अगला जो है वो उमामा है। उमामा माइक्रोफोन ऑन करो आप अपना, एक सेकंड। ये तो बड़ा इजी लगेगा आपको और ये अभी हो भी चुका है इसलिए हम सर ऐसे नहीं करें, आसान दे। नहीं नहीं वो हो चुका है, मॉडुलस फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन अभी तो डिस्कशन किया हमने उसके ऊपर। एक सेकंड, हाँ भाई न्यू शेयर करते हैं और ग्राफ कहाँ पे है ये अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इस वक्त या नहीं हो रहा? हाँ हो गया सर। एक्स क्यूब, क्या ग्राफ? एक्स क्यूब का, एक्सेलेंट भाई एक्सेलेंट। अच्छा जी अब कौन है? रोहा, रोहा माइक्रोफोन ऑन करो अपना। कौन सा ग्राफ है ये? सर इवन नंबर का, इवन नंबर का ग्राफ। इवन नंबर का ग्राफ क्या होता है? सॉरी सर ये वो सिमेट्रिकल है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। नहीं बेचारे का हालत ही इतनी खराब हुई है, क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होगा? सर रहन दो, ये अनवर आप बता सकते हो? सर जी मुझे दूसरा ऑप्शन चाहिए, इनवर्स का तो नहीं? सर मैं बताऊं प्लीज? इनवर्स का नहीं है। नहीं 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 ऐसे दौड़ना चलेगा जिसने देख लिया। अनवर नहीं बता पा रहे आप? सर जी मुझे दूसरा ऑप्शन चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तो कुछ और करें, चलो कोई मसला नहीं है। अब तुम्हें ऐसा मुश्किल वाला देना है ना, मैंने नहीं मुश्किल नहीं दूंगा मैं, इजी दूंगा। अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है एक और ग्राफ, बताओ भाई अनवर किस चीज का ग्राफ है ये? जी सर जी ये किसका ग्राफ है? सर जी मुझे उसका फार्मूला याद है लेकिन अब जेन से निकल गया सर जी। जिसका पावर, जिसका पावर जिसका पावर वेरिएबल होता है सर जी, मुझे जेन से निकल गया। एक्सेलेंट भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सही कह रहे हो, सही बताया तूने, इतना भी बता दिया काफी है। अरे सभी आप माइक्रोफोन ऑन करो, बताओ सभी कौन सा ग्राफ है? 1/x² का, 1/x² का नहीं, 1/x² का नहीं है भैया। भाई हमारे सारे राउंड कंप्लीट हो गए, अब जरा स्कोर देख लो। राफे जो है वो बेचारा 15 पे फंसा हुआ है, इसका मतलब वो तो डेफिनेटली इस गेम से निकल गया। अब तुम तमाशाई की तौर पे देख सकते हो। उमामा जो है भाई उसका स्कोर है 80, तो डेफिनेटली वो आखिरी राउंड खेलने के लिए तैयार है। रोहा का 13 नंबर है, हार्ड लक। अनवर जो है उसके 30 है लेकिन 30 भाई काम नहीं आएंगे तो वो भी निकल जाएगा। ताहा जो है उसके 70 नंबर है क्योंकि डिटेल में उसने काफी अच्छा बाउंस बैक किया था, तो ताहा इन है। और फॉर्चुनेटली सभी आप भी अंदर हो, आपके 45 हैं, तो तीन बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे और ये तीनों मेरे बैच 1 के बच्चे हैं, उमामा ताहा और सभीहा। ये तीन बच्चे हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा अब, सही है। बाकी जो है अगर जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं, अगर पार्टिसिपेट मतलब देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। भाई आप लोगों से अब सवाल होंगे, दो दो सवाल पूछे जाएंगे, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। सवाल जो है वो मोस्टली आपसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 5 से पूछे जाएंगे, देखते हैं किसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अच्छा जी भाई सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा उमामा से। उमामा माइक्रोफोन ऑन करो आप अपना। यस सर। आप मुझे बताओ, गौर से सुनो, डिफरेंस। एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं यहाँ पे। आपने मुझे बताना है कि ये जो तीन चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात मुझे आपने एग्जाम्पल देनी है। किस चीज की एग्जाम्पल? मुश्किल सवाल है तभी नाम है हेल राउंड। एग्जाम्पल ये देनी है स्टेशनरी पॉइंट, ऐसा पॉइंट आपने बताना है जो कि स्टेशनरी पॉइंट हो और साथ साथ वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो। ऐसा पॉइंट जो स्टेशनरी भी हो और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो किसी ग्राफ की। स्टेशनरी पॉइंट हो और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
सर एक्स क्यूब के ग्राफ में होता है जो जीरो कॉमा जीरो। आप ये बता दो किस पॉइंट पे होता है, तो आपका आंसर सही माना जाएगा, जीरो कॉमा जीरो पे। एक्सेलेंट भाई, ये पूरा सवाल नहीं हुआ अभी, ये आधा सवाल है, आधा भी नहीं बल्कि वन थर्ड हुआ है, इतना मजाक थोड़ी ना चल रहा। अब अगला पॉइंट आपने बताना है जो कि स्टेशनरी है लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। स्टेशनरी मैक्सिमम मिनिमम। एक्सेलेंट, कोई एग्जांपल दे दो इसकी। चलो बहुत देर लगा रही है आप, सिंपल इसकी एग्जांपल थी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर में ओरिजिन पे स्टेशनरी पॉइंट है लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, मिनिमम पॉइंट होता है वो। एक और एग्जांपल हो सकती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत एग्जांपल हो सकती है। तो आपने आधी चीज बताई है। अच्छा तीसरी चीज है कि ऐसा पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है लेकिन स्टेशनरी नहीं है। टेन के ग्राफ में। एक्सीलेंट, टेन के ग्राफ पे किस पॉइंट पे? जीरो कॉमा जीरो पे, क्योंकि वो ओरिजिन पे टिल्ट हो रहा होता है ना, चेंज हो रही होती है उसकी कॉनकेविटी। सही है, तो मतलब वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता, डेरिवेटिव वहां पे जीरो नहीं आएगा क्या? सर मेरे ख्याल से तो स्टेशनरी नहीं होता, क्योंकि आपने जब समझाया था तो एक्स क्यूब और टेंजेंट आपने एक साथ समझाए थे ना, तो एक्स क्यूब में आपने कहा था कि इन्फ्लेक्शन भी होता है स्टेशनरी भी होता है लेकिन टेन में नहीं होता। बिल्कुल सही बताया आपने, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे इनके दरमियान वाला पॉइंट आपने नहीं बताया था। अब आ जाते हैं हम सबिया के ऊपर। सबिया आपने मुझे बताना है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो उसमें जब पॉइंट पुट करते हो और आंसर अगर आपका जीरो आ जाए तो टेस्ट आपका फेल हो जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी वहां पे बन सकती है अगर टेस्ट फेल हो जाए, क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे कि वो पॉइंट क्या हो सकता है? ज्यादातर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का होता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हम इन्फ्लेक्शन के लिए लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल जवाब है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? चलो छोड़ दो ये, अगर आपको नहीं आ रहा एक और सवाल पूछते हैं, दो तीन सवाल होंगे ना आपसे, ये सवाल नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ, आपने अभी मैंने सवाल पूछा था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो आपने कहा कि ज्यादातर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, कोई ऐसी एग्जांपल आप दे सकती हो कि जिस पे आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला टेस्ट फेल हो गया और वो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है, कोई एग्जांपल? ये भी नहीं बता पा रही। चलो मैं 10 नंबर देता हूं। इसका जवाब ये है कि जब पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो है तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे आपका कर्व है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर, जब आप इसको सेकंड दफा डिफरेंशिएट करते हो ना तो ओरिजिन पे इसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा होता है, और जब x की पावर 4 के ग्राफ को देखते हो ना तो ओरिजिन पे आपके एक मिनिमम पॉइंट मिल रहा होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो लेकिन फिर भी आपको मिनिमम मिल रहा है। इसी तरीके से ऐसा भी पॉइंट है जिसपे सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, टेस्ट फेल हो रहा है आपका, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो कौन सा होता है? कहा आइडिया है कोई? सर दोबारा पूछे कि सेकंड डेरिवेटिव जीरो है लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सर आई थिंक x क्यूब पे ओरिजिन पर ही। बिल्कुल सही बात है, एक्स क्यूब जो है उस पर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ओरिजिन के ऊपर तो वो जीरो आ रहा होगा, टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ वो जो डेरिवेटिव सेकंड जीरो आ रहा है ना वो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है। तो एग्जांपल भी देनी चाहिए, डिटेल में भी आपको बताना चाहिए था, आपने शुरू में एक पॉइंट डिस्कस किया था इसलिए आपको 10 नंबर मिल रहे हैं, बाकी आपके कट गए। और मामा आपके 20 हैं, सभी आपके 10 हैं। तहा माइक्रोफोन ऑन करो यार। यस सर। बताओ भाई सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए किसी पॉइंट के ऊपर तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम को। क्यों? कॉनकेविटी डाउन, कॉनकेव डाउन आता है ना सर वहां से। क्यों सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो कॉनकेव डाउन को क्यों रिप्रेजेंट करता है, वजह? सर कॉनकेव डाउनवर्ड होता है क्योंकि ग्राफ जो है ना सर वो चेंज जो है वो कम होता जा रहा है ना सर, इसका मतलब। सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? सर मैं बताऊं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अगर इक्वल टू जीरो हो रहा है तो। नहीं नहीं, सेकंड डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का निकालते हो तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नहीं है। चलो मतलब तुम ये रीजन भी नहीं बता सकते सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो कॉनकेव डाउनवर्ड क्यों, इसकी रीजन भी नहीं पता तुम्हें? सर जो डेरिवेटिव है वो डिक्रीज हो रहा है ना सर, जो वैल्यू है वो पॉइंट डिक्रीज हो रही है इस वजह से। तकरीबन तुमने सही दिया लेकिन फिर मैं तुम्हें 20 नंबर दूंगा। उसकी वजह ये है कि सेकंड डेरिवेटिव सबसे पहले रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो तुम बोले थे ना कि डिक्रीज कर रहा है, वो है कि सेकंड डेरिवेटिव बताएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर क्या चेंज आ रहा है। अब एज्यूम करो कि आपके पास एक कॉनकेव डाउनवर्ड शेप है, ठीक है, तो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो नेगेटिव आ रहा होगा। उसकी वजह क्या है
कि वक्त के साथ साथ स्लोप नेगेटिव होता जा रहा है, अगर आप देखो मतलब डिक्रीज होता जा रहा है स्लोप। यहाँ पे आपके पास अगर टेंजन लाइन बनाओ तो इस तरह बन रही है, उसका स्लोप बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे टेंजन लाइन बनाओ तो उसका स्लोप काफी छोटा होता जाएगा। यहाँ पे बनाओगे तो स्लोप जीरो हो जाएगा उसका, यहाँ पे बनाओगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पहले पॉजिटिव था करते करते अब नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट मैक्सिमम है। तभी आपके पास पहले वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसके अराउंड आपकी चीजें स्लोप जो है फर्स्ट डेरिवेटिव वो डिक्रीज होता जाता है। तो दैट्स वाई सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो आपको बताता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तभी वो आपको नेगेटिव आंसर दे रहा है। जबकि कॉनकेव अपवर्ड में वो आपको बताता है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि वो बता रहा होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव अब आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव था, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। उमामा ताहा और उमामा ताहा के तो 20 नंबर है, सबिया के 10 नंबर है, क्या कर सकते हैं हम। सबिया बहुत क्लोज आ रही है लेकिन फंस रही है वो। भाई एक सवाल मैं दूंगा इंटीग्रल का है, ठीक है, ये सवाल 10 नंबर का है, ठीक है, जो इसका जवाब दे देगा पहले इसका मतलब उसके 10 नंबर आ जाएंगे। गौर से देखना, मुझे आंसर बताना इसका आंसर क्या आ रहा है, एक सेकंड। तो सवाल है इंटीग्रल साइन, उसके अंदर है कॉस इनवर्स, उसके अंदर है टेंजेंट पाई, ये सवाल है भाई, गौर से देखो इसको। एक्स, एक्सीलेंट भाई, एक्स कैसे आया जल्दी बताओ। सर कांस्टेंट्स हो रहेंगे ना कंटिन्यूअसली, अगर टेंजेंट पाई कांस्टेंट है फिर कॉस इनवर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स भी, साइन भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक्स आंसर क्यों आ रहा है, कांस्टेंट का आंसर 1 क्यों हो रहा है, तुम्हारे मुताबिक कांस्टेंट 1 था, 1 के ना सर, एक्सीलेंट 1 के बराबर है। देखो रिजल्ट में कांस्टेंट भी आ सकता है लेकिन कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, ये कांस्टेंट आपने पहले बताने है कि ये कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब ये पूरी चीज 1 के बराबर है, 1 का इंटीग्रल एक्स होता है। तो सबसे पहले ताहा ने जवाब दिया था एक्स का, बाकी ने भी जवाब दिया लेकिन बेचारे थोड़े से लेट हो गए वो लोग। तो अब स्कोर है भाई उमामा 20, ताहा 30, सभिया 10, तो मेरे ख्याल में हमें पता चल गया विनर कौन है। लेकिन 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 आखिरी ऑप्शन है सभिया और उमामा के दरमियान, अगर इसमें से किसी ने ये सही बता दिया तो फिर भी चलो गेम में आ जाएंगे। और सवाल ये है, बड़ा मुश्किल सवाल है, कि सबसे पहला सवाल ये है कि हम 5.2 के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों निकालते थे, क्या हम कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। सर कैलकुलेटर भी तो किसी एल्गोरिथम पे बेस है ना, तो हम वो उसी एल्गोरिथम से मैन्युअली निकालते हैं। चलो ये पहली चीज तो सही बताइए। अब मुझे आप ये बताओ कि हम ऐसा कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्या हमारा मेथड होता है जिसके तहत हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, आप लोगों के लेवल पे क्या मेथड यूज करते हैं आप। किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं एक टेंजेंट लाइन के थ्रू और उसके बाद बहुत करीब पॉइंट तक लेकर आते हैं, लिमिट पुट करते हैं और फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम कर लेते हैं। टेंजेंट डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव निकालने के बाद टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते हैं हम। नहीं, उस फिक्स पॉइंट को ना बहुत करीब हम लिमिट पुट करते हैं और चेक करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन क्या आ रही है। किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट कर होते हैं टेंजेंट लाइन के थ्रू पास करवाते हैं उससे और उस फिक्स पॉइंट पे उसका स्लोप मालूम करते हैं कि वो क्या आ रहा है। ऐसा नहीं होता सर, हम लोग पहले जो वैल्यू दी होती है उससे मतलब उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर जो डेरिवेटिव आता है ना उसके हिसाब से जो राउंड ऑफ फिगर होता है क्लोजेस्ट पहले उसकी वैल्यू लेते हैं और फिर जो बचा होता है उसको चेंज एक्सेप्ट करके फिर उस तरह सॉल्व करके फिर आप लोग सब ना मुझे वो किसी क्वेश्चन की वर्किंग बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ ग्राफिकल अंदाज में जो आप मेथड यूज करते हो उस मेथड का एक नाम भी होता है, चलो मैं बता देता हूँ, लीनियर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं उसको। इस मेथड में कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो, कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है यहाँ पे। सर मैं आंसर दे सकता हूँ? नहीं यार, तुम तो ऑलरेडी गए, इन्होंने नहीं दिया तो तुम जीत जाओगे। दोबारा सवाल है कि भाई अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो तो आप एक मेथड यूज करते हो, उस मेथड का नाम है लीनियर अप्रोक्सीमेशन। इसमें आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हो लेकिन बहुत एक साइड की चीज है, असल कॉन्सेप्ट हमारा टेंजेंट से रिलेटेड ही है। क्या आप ऐसा क्या करते हो कि आप फिर x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है, इस मेथड में क्या मेन कॉन्सेप्ट होता है। dx को बहुत करीब कर देते हैं, x को बहुत एक एक करीब अप्रोच करते हैं तो जो डिफरेंस, वो आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन वो होता है कि अगर आपका जितना x करीब होगा ना उतनी अच्छी आपकी वैल्यू आएगी, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेथड को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये आप मेथड को इंप्रूव करने के लिए कह रहे हो कि जितना x करीब होगा उतनी अच्छी वैल्यू आएगी, ये मेथड नहीं है।
ताहा बताओ क्या कह रहे तुम? सर आई थिंक हम ना हम ऑलमोस्ट जीरो के करीब है ना सर, ऑलमोस्ट जीरो जितना चेंज हम उसमें ऐड करके फिर उसे हम चेंज का डिफाइन करते हैं। अगर तुम भी वही चीज बता रहे हो भाई, सवाल इसका सिंपल ये है कि जवाब इसका ये है कि आप सर मतलब एक पॉइंट के बहुत करीब जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। मतलब सब आंसर बता रहे हो, मेथड के अंदर एक चीज बता रहे हो कि एक्स आपका करीब होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जितना कम एरर होगा उतना आपका एक्स करीब होना चाहिए कम एरर के लिए। ये बात बिल्कुल सही बात है, ये इंप्रूवमेंट है, मेथड ये नहीं है। मेथड क्या होता है कि आप सबसे पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हो, जिसको आप टेंजेंट लाइन का फंक्शन भी कह सकते हो। जब वो आपके पास आ जाता है, वो कैसे आता है आपको बड़े आसान तरीके से पता है, आप डिफरेंशिएट करते हो, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हो। वो इक्वेशन निकालने के बाद आप उसके अंदर एक्स की वैल्यूज पुट करते हो। जिस पॉइंट को आपने पिक किया था ना, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट फंक्शन की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल फोर स्क्वायर रूट फोर जो है 4.1 की वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे 4 के ऊपर। जैसी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी फिर आपने क्या करना है, आपने वो वैल्यू चूज करनी है जो उसके बहुत करीब तरीन हो। इससे फायदा क्या होगा, आपका आंसर अच्छा आएगा। तो मेन चीज हमारी होती है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना, उसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, और जितना अच्छा मेथड होगा उतना अच्छा आंसर आएगा अगर आपने एक्स की वैल्यू करीब ली है। तो तुम लोग ये करीब वाला पॉइंट मुझे बता रहे हो, असल पॉइंट क्या था कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालो, उस इक्वेशन में एक्स की जगह अगर मैं 4.1 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट होगी। इसी तरह मैं अगर एक्स की जगह 4.8 पुट करूंगा तो मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन 4.8 और 4 में डिफरेंस ज्यादा, एरर मिलेगा। कॉन्सेप्ट ये था कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो यार सबिया और उमामा, उमामा ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ताहा जीत गया है। अगर आप लोग सबिया और उमामा समझते हैं कि कोई अनफेयर चीज हुई है तो बोल सकते हैं, अगर कुछ रिव्यूज हैं, या आप लोग कहते हो कि आपके साथ फेयर हुआ, कुछ ना इंसाफी तो नहीं है आपके साथ? नहीं सर, सब कुछ परफेक्टली हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ। परफेक्ट हुआ नहीं, बहुत अच्छा स्कोर तुम लोगों का था। सबिया बेचारी आगे आना चाह रही थी लेकिन किसी वजह से रह गई थी, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा शो होगा तब आप इंशाल्लाह जीत जाना।